भैया लो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज अपने स्टूडियो में बैठे हैं आज। भैया भार्गव जी आज उज्जैन की फैमिली है बुंदेली चुगली के बड़े प्रशंसक है पूरा परिवार। और आज से नहीं कई महीने साल से संपर्क में है जो बार बार बच्चा तो इनके भैया इतने हुनरमंद हो गए कि बुंदेली चुगली की मेरे को कॉपी करने लगे। ये भाई कहती कहती दुनिया के फैन भले ही सलमान खान हुई है लेकिन हम तो बोले बुंदेली चुगली के हैं। सो हमें लगो कि परिवार से मुलाकात हो जाए स्टूडियो बुला के। सो अपने बैठे सब जने बहुत लंबे चौड़े भत्का होते रहे। फिर हमें कहे कि बुंदेली चुगली के जो दर्शक हैं उन्हें भी पता चले कि भैया बुंदेली चुगली कैसे घर घर में बच्चन से लेके सबके दिमाग में असर करें। ये भैया बिन्नू दो जने पहले कॉन्वेंट स्कूल की भाषा किटर पिटर करते अंग्रेजी में और जब से बुंदेली चुगली देखने लगे तो वही तरह से जो भैया बुंदेली भत्काव करा था आपस में बैठ के। तो पहले हम पर्चा करा था भार्गव फैमिली से वे अपना पर्चा खुद ही दे बहू के बाद बाकी भत्काव अपन कर ले रहे। लो भैया आप अपना पर्चा दे थोड़ी सो। भैया रो राम राम। बुंदेली चुगली चैनल देखवे वाना हमारी हाथ जोड़ के राम राम। हम उज्जैन में रात भैया एक छोटी सी नौकरी है आयुर्वेद विभाग में लेकिन हम रेवे वाले छतरपुर के आए और हमारी फैमिली और हम पति पत्नी बुंदेली चुगली चैनल के इतने बड़े फैन हैं कि आप नज़ारा खुद देख रहे जो सामने आके बैठे इतने वे हमसे चार हम दिवाली मनावे आए थे सुबह 4-5 दिन से लगे कि नीरज सोनी अंकल से मिल लें ढलापुर वाली आंटी दीदी से मिल लें उनको चैनल ऑफिस देखने नव ऑफिस उनने कहाँ शिफ्ट करो वो देखने। सो हम नाज लेते लोबा ले आए और हमें बुंदेली चुगली चैनल ने जो सम्मान दो जो हमें मौका दो उनके लिए हम बड़े बहुत आभारी हैं धन्यवाद। और दूसरी बात जो है बुंदेली चुगली चैनल सुनबे और देखबे वाला ना से हम जो कहवो चाह रहे कि आज जो ये नीरज सोनी भाई साहब ने जो ये पहल की है शुरुआत की है जो हमारे बुंदेलखंड की अस्मिता को बनाए रखने के लिए तो इसमें हम आप सहयोगी कैसे हो सकते हैं। सहयोगी तभी हो सकते हैं जब हम इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इनके चैनल को देखेंगे। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं दे रहे हम आपका जैसे एक सिंधी परिवार हो तो कौन सिंधी परिवार हो तो वो चाहे विदेश चलो जाए और चाहे कहूँ चलो जाए वो अपनी सिंधी भाषा नहीं छोड़त। मतलब सिंधी भाई बहन अपने बच्चन हाँ सिंधी भाषा तो सिकाऊत ही सिकाऊत हैं चाहे वे विदेश में चले जाएं चाहे वे अंग्रेजी पढ़न लगें चाहे कछु करन लगें। तो हमें भी जोई हम अगर बुंदेलखंड के हैं बुंदेलखंड की हमारी पैदाइश है हमारे पूर्वज बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेलखंड के अस्तित्व को बनाए रखवे के लाने हमें हमारे बच्चन हाँ बुंदेली भाषा बोलवो सिखाओने बुंदेली जो हमारी मान्यताएं हैं जो धारणाएं हैं उन्हें हमें बरकरार रखने हम जो ही के वो चाहत भैया आपको पर्चे दे दो अपना भी सबको हो जाए जी। हमारी पत्नी है नाम बता दो आप। अच्छा हमारा नाम उपमा भार्गव है। अच्छा, और हम उज्जैन से आए हैं बच्चों के साथ में बच्चों को बहुत अच्छा लगा बुंदेली चुगली बच्चों तो, को भी पर्चा हो जाए बताओ भैया अपना नाम बता दो। मैं चैतन्य भार्गव हम लोग डेली बुंदेली चुगली देखते हैं जो भी न्यूज आती है और इतनी बढ़िया न्यूज आती है कि देखने में भी मजा आता है और देख जो बनाते हैं उनको भी मजा आता है और देखने वालों को भी मजा आता है। मेरा नाम पलक भार्गव है मैं 12th class में पढ़ती हूँ और हम लोग दिन भर कोई भी अगर मोबाइल लेते हैं तो सीधे सबसे पहले बुंदेली चुगली खोलते हैं। एक भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो हम लोग ने ना देखी हो जितनी भी न्यूज़ हम लोग सारी न्यूज़ एक भी नहीं छूटी जो न्यूज़ हम लोग ने ना देखी हो सारी न्यूज़ देखते हैं। और जिस दिन न्यूज़ नहीं आ पाती है तो हम लोग तुरंत अंकल को कॉल करते हैं कि अंकल आज न्यूज़ नहीं आई आपकी तो फिर अंकल तुरंत बना के भेजते हैं हम लोगों को। बहुत मज़ा आता है इतना अच्छा चैनल है कि हम लोग बहुत बड़े फैन हैं नीरज अंकल के और बुंदेली चुगली के। भैया राम राम हम बुंदेली चुगली से भृगु भार्गव। भैया जो मचो का है भैया राम राम बोल रहे बुंदेली चुगली से प्रज्ञा भार्गव। देखो भैया यही सब कहा लगा था हमें पहले लगा तो कायम मरे जा रहे यार चिल्लिया गरिया गरिया आ गया कछु समझ में लेके अब लगा कि पैसे ही नहीं मरे जा रहे ऐसे यहाँ तो नहीं कुट डाले अपनी मतलब मेहनत सार्थक हो रही कि आदमी के दिल दिमाग में चीज जा रही। सो भाई आप जो है भृगु भृगु की भैया इनकी तो जे कहते दूर ही से मुस्कानी ने नाती सरदा बनो अपनी जिनकी दशा भाई थी सो उनको इन्हें गाना बड़ो चलो को दूर ही से आ रहा दूर ही से। सो हम कहीं गाना लगा दी तो ना कि देख ले सुन ले इनको नाच देख लो इतना इनने पूरी ऐसी एक्टिंग करी कि लगा तो लगा अभी इतना पासवर्ड तुम अपने मुंह से बोलना गाना पासवर्ड पासवर्ड का अभी नुई को बता दो भाई
खोल दो भाई लो। कहा दूर ही से मुस्कुराती जोन दिन से हमें गाना गाओ नबी है गोलियार थाने से आज लो सरदार वर्मन के थानों नहीं मिलो लैंड में डरी हुई जा स्थिति है। बहुत बढ़िया वाह बहुत बढ़िया जो है भैया देखो जलवा हम कहा नहीं लगा कहा देखो हमने जो तय करो तो के बुंदेली चुगली हम इके लाने बनाओ कि भैया जो आदमी भूल गो आजकल के बच्चन के अंदर से चीजें निकल गई कहा से सोशल मीडिया इतने हत्यार हो आग लगो कि इमेज जो उल्टी सीधी चीजें होती बच्चा वही देखा और मोबाइल तो देख रहे हैं बच्चा मानत नहीं है तो ऐसी चीज बना दो कि बच्चा देखे और मजबूर हो जाए। तो जब मैंने अपने देखा सार्थक है कि बच्चन के ऐसी चीज अपन ने देख दी कि भाई देखे मजबूर है तो जब अच्छी चीज देखे तो बुरो देखे को सवाल लेंगे अच्छी चीज प्रज्ञा है ने प्रज्ञा भैया जी तो बड़ो दम खाती चाजा वाजा थी ऑनलाइन ने तो वीडियो कॉलिंग करी और अंकल कछु सुना सो आज हमने पकड़ लो कि बिन्नू अब तुम कछु सुनाओ सुनाओ कछु भैया आ रहा हम जो सुनान वाले कि सबरे सलमान खान के फैन हो हम नीरज अंकल के फैन है और सबरे कैटरीना कैफ के फैन हो हम दीला पर वाली के फैन है। अब तुम मैं भजन गाओ तू सुना दो देखो मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिले कभी ना कभी मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी ना कभी गंगा में मिले यमुना में मिले सरजू में मिलेंगे कभी ना कभी जय बच्चन की प्रतिभा है हमने तो तय भी करो है कि बच्चन के मंच देवी के लाने बुंदेली चुगरी पूरा प्रयास करे बिल्कुल ना रोके भैया सो बहुत भैया धन्यवाद बिल्कुल भार्गव फैमिली के और हम तो सबके जो को घर बैठ के देख रहा बुंदेली चुगरी उनके भी धन्यवाद के ऐसी इसने बनाए रही हो और जब तक हम बच्चन के अपनी आवे वाली पीढ़ी के मूल में न ले जाए तब तक ये संस्कृति सुरक्षित ना रहे। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति हम बार बार कहते हैं
राजस्थान और गुजरात के बाद अगर कौन संस्कृति समृद्ध है तो आप बुंदेलखंड की लोक संस्कृति समृद्ध है। हर चीज है, गाना बजाना, लोकगीत नाच गाना, मतलब कहानी गाने का हमारे तो गाली भी नहीं जाती ना, तो आग लगे जू बर गए जू ठटरे के बर जू, मतलब जू लगाओ जाते यार। देखो मतलब इतना कौन हो देगा कि आदमी इनके गाली दे तो जू लगाओ जाते हैं, इतना कहा समृद्ध मिला। बड़ो अच्छे भैया, बड़े उन्होंने बहुत अच्छे लोगों हमें आप और यार सो भैया ऐसी इसने बना रही हूँ। जय राम जी भैया, जय राम जी। चेक करो थोड़ी लाइन में।